मोटो G84 वर्सेस इन्फिनिक्स GT10 प्रो। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज के वीडियो पर देखेंगे इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन 20,000 के अंदर सबसे बेस्ट है और कौन सा फोन किन के लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप एक लाइक भी कर दीजिए। तो पहले दोनों फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करते हैं, तो डिजाइन आप देख सकते हो। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो पर मोटो G84 का जो बैक पैनल है वो आपको प्लास्टिक बैक देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही में जो पिंक कलर वाला ऑप्शन है इसके पीछे आपको लेदर बैक फिनिश देखने के लिए मिलता है। और इन्फिनिक्स GT10 प्रो की बात करते हैं तो इसके पीछे आपको प्लास्टिक बैग देखने के लिए मिलता है, लेकिन फील ग्लास का मिलता है। तो पर दोनों फोन का जो बिल्ड क्वालिटी है आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाता है, थोड़ा सा प्रीमियम देखने के लिए मिलता है मोटो G84। और अगर IP रेटिंग की बात करते हैं तो पर दोनों फोन के अंदर IP रेटिंग दिया गया है। मोटो के अंदर IP54 का रेटिंग, इन्फिनिक्स के अंदर IP53 का रेटिंग मिल जाता है, मतलब हल्के फुल्के पानी की छींटे और डस्ट से प्रोटेक्ट रहने वाला है। वेट एंड थिकनेस की बात करते हैं तो पर मोटो G84 का वेट है 168 ग्राम, थिकनेस दिया गया है 7.6 mm, और इन्फिनिक्स GT10 प्रो का वेट है 189 ग्राम, थिकनेस है 8.1 mm। मतलब ये बार आप साफ साफ देख सकते हो काफी ज्यादा लाइट वेट और काफी ज्यादा स्लिम स्मार्टफोन है मोटो G84। सेंसर्स की बात करते हैं तो पर दोनों फोन के अंदर सभी सेंसर दिए गए हैं, साथ ही में दोनों फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। और अगर ऑडियो की बात करते हैं तो पर दोनों फोन के अंदर हेडफोन जैक है, दोनों फोन के अंदर डुअल स्पीकर दिया गया है, मोटो के अंदर डॉल्बी एटमॉस का सर्टिफिकेशन है और इन्फिनिक्स के अंदर DTS साउंड देखने के लिए मिलते हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं तो पर मोटो G84 के अंदर 6.55 इंच का फुल HD प्लस PoE डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ, 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, 1300 निट्स का ब्राइटनेस, 10 बिट पैनल यूज किया गया है, साथ ही में NAG ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। और इन्फिनिक्स GT10 प्रो की बात करते हैं तो इसके अंदर 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, 900 निट्स का ब्राइटनेस, 10 बिट पैनल यूज किया गया है, साथ ही में HDR10 का सर्टिफिकेशन और इसके अंदर भी आपको NAG ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर दोनों फोन का जो डिस्प्ले है आपको काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर आप ज्यादा गेम्स वगैरह खेलते हो तो यहाँ पर आपके लिए इन्फिनिक्स GT10 प्रो का डिस्प्ले बेटर होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर टच सैंपलिंग रेट जो है वो ज्यादा दिया गया है 360 हर्ट्ज का। और उसके बाद बैटरी की बात करते हैं तो पर दोनों फोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी दिया गया है, मोटो के अंदर 33W का चार्जिंग सपोर्ट और इन्फिनिक्स के अंदर 45W की चार्जिंग देखने के लिए मिलते हैं, साथ ही में बाईपास चार्जिंग टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, मतलब आप फोन को चार्जिंग पे लगा के यूज कर सकते हो, गेम्स वगैरह खेल सकते हो, बैटरी के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो इस मामले में इन्फिनिक्स बेटर है। और उसके बाद परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पर मोटो G84 के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 प्रोसेसर यूज किया गया है, जो कि 6 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर है और थोड़ा सा पुराना हो चुका है। LPDDR4X रैम सपोर्ट, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप सपोर्ट और एंतुतु स्कोर लगभग 4,30,000 के आसपास देखने के लिए मिल जाता है। और इन्फिनिक्स GT10 प्रो की बात करते हैं तो इसके अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8050 यूज किया गया है, जो कि काफी पावरफुल प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, LPDDR4X रैम सपोर्ट, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप सपोर्ट और इसके एंतुतु स्कोर 7 लाख के आसपास मिल जाते हैं। तो अगर आप ज्यादा गेम्स वगैरह खेलते हो, आपको एक पावरफुल फोन चाहिए, पावरफुल प्रोसेसर चाहिए, तो यहाँ पर आपके लिए इन्फिनिक्स GT10 प्रो बेटर होने वाला है। और उसके बाद अगर UI की बात करते हैं तो पर दोनों फोन के अंदर Android 13 देखने के लिए मिलता है, मोटो के अंदर MyUX और इन्फिनिक्स के अंदर XOS देखने के लिए मिलते हैं। तो पर दोनों फोन का जो UI है आप क्लीन देखने के लिए मिलेगा, इन्फिनिक्स के अंदर थोड़े बहुत अनवांटेड ऐप्स देखने के लिए मिलते हैं, जो कि इन्फिनिक्स के ही ऐप है लेकिन कोई भी ब्लॉट पर देखने के लिए नहीं मिलता। और अगर अपडेट की बात करते हैं तो पर दोनों फोन के अंदर 1 साल का एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा, मोटो के अंदर 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट और इन्फिनिक्स के अंदर 2 साल का सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा। तो ओवरऑल बात करते हैं कौन सा UI बेटर है, तो पर UI के मामले में मोटो का UI बेटर है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, साथ ही में इसका जो लुक एंड फील है UI का काफी अच्छा मिलता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। और उसके बाद कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो एक बार दोनों फोन के अंदर 14 5G बैंड्स दिया गया है, मोटो के अंदर वाईफाई 5 है, ब्लूटूथ 5.1 है, हाइब्रिड सिम स्लॉट है, मतलब एक टाइम पे 2 सिम कार्ड या फिर 1 सिम और 1 मेमोरी कार्ड यूज कर पाएंगे और NFC भी मिल जाता है। इन्फिनिक्स GT10 प्रो की बात करते हैं तो इसके अंदर वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.3 है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलता है, मतलब 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड यूज कर पाएंगे एक साथ और साथ ही में NFC भी देखने के लिए मिलता है। तो ओवरऑल कनेक्टिविटी में दोनों फोन में कोई भी ज्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक ठाक कनेक्टिविटी दोनों फोन के अंदर मिल जाएगा। और उसके बाद अगर फाइनली कैमरे की बात करते हैं तो पर मोटो G84 के अंदर OIS कैमरा देखने के लिए मिलता है, 50 MP का मेन सेंसर, साथ ही में 8 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस जो कि मैक्रो सेंसर का भी काम करता है और 16 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, रियर से फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 60 FPS पर और फ्रंट कैमरा से फुल HD तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। इन्फिनिक्स GT10 प्रो की बात करते हैं तो इसके रियर में आपको 108 MP का मेन सेंसर और 2 MP का सेंसर यूज किया गया है, साथ ही में 32 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। और अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो आप रियर से 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर और फ्रंट कैमरा से 2K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर।
तो अगर बात करते हैं कौन सा कैमरा बेटर है, तो मोटोरोला का जो कैमरा है आपको बेटर मिल जाता है, रियर कैमरा ओ एस के साथ आता है। लेकिन दूसरी तरफ इन्फिनिक्स के अंदर आपको सेल्फी कैमरा बेटर मिल जाता है, रियर कैमरे में 4K रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलता है, लेकिन स्टेबिलाइजेशन नहीं दिया गया है। तो ओवरऑल दोनों ही फोन का जो कैमरा है अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। अगर आपको सेल्फी कैमरा बेटर चाहिए और रियर में आपको 4K रिकॉर्डिंग चाहिए, तो आपके लिए इन्फिनिक्स GT10 Pro बेटर होने वाला है। लेकिन अगर आपको स्टेबिलाइजेशन भी चाहिए, अल्ट्रा वाइड लेंस भी चाहिए, ठीक ठाक कैमरा सेटअप चाहिए, तो आपके लिए Moto G84 भी एक बेटर ऑप्शन होने वाला है। और उसके बाद प्राइस एंड वेरिएंट की बात करते हैं, तो Moto G84 का एक ही वेरिएंट है, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ ₹20,000 में मिल जाता है। और इन्फिनिक्स GT10 Pro की बात करते हैं, तो इसका भी एक ही वेरिएंट है, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ आपको ₹21,000 में मिल जाता है। आप दोस्तों बात करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन किन के लिए है। तो जो लोग ज़्यादा गेम्स वगैरह नहीं खेलते, कभी कभार खेल लेते हैं, लेकिन उनको एक प्रीमियम दिखने वाला स्मार्टफोन चाहिए, हल्का पतला फ़ोन चाहिए, साथ ही में UI भी अच्छा खासा चाहिए, कैमरा सेटअप भी ठीक ठाक चाहिए और रैम ज़्यादा चाहिए, तो ये पर उनके लिए Moto G84 एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। लेकिन जो लोग गेम खेलने के लिए फ़ोन ढूंढ रहे, मतलब उनका मेन मकसद है गेम खेलना और थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन चाहिए और 4K रिकॉर्डिंग वगैरह चाहिए, तो पर उनके लिए इन्फिनिक्स GT10 Pro एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है। इसके अंदर बाईपास चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलता है, चार्जिंग पे लगा के फ़ोन यूज कर पाएंगे, साथ ही में ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर भी मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही फोन अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है, आप आपके नीड के अकॉर्डिंग इन दोनों स्मार्टफोन में से कोई भी एक ले सकते हो, दोनों ही फोन अपनी जगह पर सही है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।